और यहाँ पे ना पूरा टोटल गांव जो हमारा सील हो गया है, नाम से ही पता चलता है, शकरपारा। तो आज मैं अपनी प्रजा को लेकर कहाँ जा रही हूँ, ये क्लाइंब करेगा और पूरे पेड़ में फैल जाएगा। और यहाँ सेब आए हैं और यहाँ फ्लावरिंग हुई पड़ी है ठंड, ये देखो ये नुकसान हो रहा है बारिश। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मैं सुनीला, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो जो है मेरी बहन ने मुझे जो है कल की ही भेजी है। तो आजकल जो है ना चेरीज का तो तड़ान है ना, वो फुल वो पे है, पीच पे है। और हमारे ना दो सीजन लगे हैं आजकल, एक चेरी का और एक पीच का। चेरी का ऊपर वाले घर में और पीच का जो है नीचे, जो दोगरी है ना हमारी, मैंने आप लोगों को बताया है, जो मायके में मेरी दोगरी बोलते हैं, लो हाइट में जाके है नीचे, वहाँ पे जो है आरवी पीच आर टू तो हम पहाड़ी में इधर कोटगढ़ में बोलते हैं, उसका सीज़न लगा है। तो ये चेरी का सीज़न लगा है ना, तो दीदी कल जो है, कल की ये परसों की उसने क्लिप भेजी है, तो चेरियां तोड़ रहे हैं, बड़े बड़े से पेड़ होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो बाहर वीडियो देखते हैं पूछते रहते हैं। और इस तरह से ना चेरियों के पेड़ में जो है जाना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे होते हैं और तोड़नी पड़ती है, एक एक दाना जो है कहाँ कहाँ से निकालना पड़ता है, बहुत घनी घनी लगती हैं। और एक पेड़ से बहुत ज़्यादा जो चेरियाँ होती हैं वो निकलती हैं, और चेरियों के बहुत सारे पेड़ हैं, और इस तरह से कलेक्ट करके फिर इस तरह रखी जाती है, फिर एक एक दाना जो है देखा जाता है अच्छे से, और इस तरह से उल्टा डब्बे में लगाया जाता है, मतलब कि उल्टी साइड से। फिर इसके बाद जो है दो तय इस तरह से लगते हैं डंडिया ऊपर को रख के, और बाद में फिर जो इसके ऊपर भर दी जाती हैं चरियां, फिर सीधा करके ये ऐसा दिखता है। और आप लोगों के साथ फिर ये मार्केट में आता है, हाँ यहाँ से तो जो है सप्लाई दिल्ली जाती है ज़्यादातर मार्केट में, सब्जी मंडी में, और आढ़ती जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो इनको लेते हैं और खुद ही प्राइस जो है वो इसका जो है वो करते हैं, घोषित करते हैं। कई बार जो है 250-300 पर केजी बिक जाती है, कई बार जो है 50 रुपया डब्बा भी बिक जाता है। तो मर्जी होती है, मंडी के हिसाब से होता है। किसान जो है ना चाहे अनाज पैदा करे चाहे फ्रूट पैदा करे, पिस जाता ही है कहीं ना कहीं पे। बाकी जो है लॉकडाउन में भी अच्छे से जो है सीज़न चला हुआ है, ये देखिए टोकरियाँ भर भर के आ रही हैं। और थोड़ा सा चेरियों का सीज़न भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। ये आते ही ना मैंने ये देखो करेला यहाँ पे लगा दिया है, मीठा करेला नहीं है ये, कड़वा करेला है, ये कड़वा करेला। सो कड़वे करेले आगे बहुत उगे थे ना, और जिस दिन मैं यहाँ से नीचे गई थी ना, इस तरह से मैंने चेरीज बांध के रखी थी, बहुत सारी पोटलियाँ सी, ताकि जो है ये सेफ रहे। यहाँ देखो इस तरह से, और इसमें देखो कितनी अच्छी, और ये ना वैरायटी की चेरियाँ हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जाएंगी अभी, और के दिखाती हूँ। खुल जा भाई, ये देखो फ्रेंड्स, इसको साइड करती हूँ, ये देखो, ये देखो, और ये ना बहुत बड़ी है प्लम के जितनी, पर अभी जो है देखो बारिश से ना इस तरह से फट गई है, ये देखो ये नुकसान हो रहा है बारिश का, कुछ कुछ बच गई हैं, कुछ फट गई हैं, ये देखो। चलो इसको मैं ना थोड़ा सा बांध के ही रखूँगी। यहाँ सेब आए हैं और यहाँ फ्लावरिंग हुई पड़ी है ठंड में, पता नहीं क्या हो रहा है। और यहाँ पे खीरा उगा है मेरा, छोटा सा खीरा, अभी कुछ दिनों के बाद लगेगी। और यहाँ पे ना भिंडियाँ भी लगी है फ्रेंड्स, ये है राजमा, और ये तो है जी मेरे फेवरेट, इसमें तो बहुत ज़्यादा लगे हैं। यहाँ पे दिखाती हूँ क्योंकि अभी धूप है ना, ये देखो पलम, रेड ब्यूट्स, ये कितने सुंदर लग रहे हैं ना, प्यारे प्यारे से। तो ऐसा ऐसा है जी यहाँ पे, तो यहाँ का भी देखना पड़ता है। एक तो राजमा में ना ऊपर को वो जाने लगी है, लौने बोलते हमारे, यहाँ देखो पेड़ पेड़ के पास बीजे थे मैंने, ये देखो इस तरह से ना इसमें अब ये लग गया है निकलने, ये क्लाइंब करेगा और पूरे पेड़ में फैल जाएगा। वैसे तो जो है बोलते हैं सेब के पेड़ के पास ऐसी चीज़ें या किसी भी पेड़ के पास नहीं लगानी चाहिए, तो सेब तो इस बार है नहीं है, राजमा ही सही। और मुझसे पूछा भी था वीडियो में कि आपके फसल क्या होती है। फ्रेंड्स, फसल जो है हमारे राजमा होते हैं, सोयाबीन होते हैं, चने होते हैं, और
और क्या कोलत होते हैं, कोलत जिनको बोलते हैं, बाकी फ्रूट्स होते हैं, और भी मक्की भी हो जाती है अगर बीजते हैं, पर मक्कियाँ कम होती है। चलिए अब मैंने आपको बताया था जब मैं एलवी में गई थी कि मैंने जो है सूट सिले, थोड़े बहुत जो गिलाफ के लिए कपड़ा निकाला ना, आधा अधूरा काम करके आई हूँ, और फिर आज जो है यहाँ प्रॉब्लम हुई है, एक बताऊँगी मैं, शेयर करूँगी, तो ये काम भी मेरा वहीं का वहीं लटका पड़ा है। और जो कमेंट करते हैं ना कि आप जो है अपनी सास से काम मत करवाइए, तो इस टाइम जब मैं यहाँ पर ये वाला काम कर रही हूँ ना, तो मम्मी बाहर जो है मिर्चें लगा रहे थे, मिर्च के पौधे, पहले जो है मैंने करेला वगैरह लगा दिया था, बाकी जो है वो अपना काम खुद से करते रहेंगे, इवन कि डैडी बाहर काम कर रहे हैं। पता नहीं यार, चैनल है कुछ तो मुझे कमेंट आ रहा है कि उनसे मत करवाइए ये वो, सो यार थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाइए, कोई नहीं करवाता है, सब अपनी मर्जी से करते हैं, फिर बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है। और कमेंट पे भी मैंने रिप्लाई किया है, तो मुझे ना अब अजीब सा लग रहा है, तो छोड़ देते हैं इस बात को यहीं। फटाफट से मैंने जो है मेरी सास के लिए जो है यहाँ पे दो सूट कट किए, एक जो मैंने जो है वो स्टिच भी कर दिया, तो उनके काम आएंगे सर्दियों में, सॉरी गर्मियों में जो है घर में पहनने के। हम लोग ना नहीं गए गाइस, ऐसे पहाड़िये हैं ना तो सच्चे हैं दिल के। अब जो है मैं उनको कैमरा लेके दिखाती हूँ तो दिखा लेती हूँ, इसमें कोई वो मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी बात है। जब उनका दिल नहीं करेगा ना, वो नहीं करेंगे काम, और उनको ना कोई ज़बरदस्ती बोलता भी नहीं है, और हम लोगों की ना इतनी घटिया सोच है ही नहीं है कि ये सास है या मैं बहू हूँ। हम लोग ना परिवार में ऐसे ही रहते हैं, चलिए जो भी लगा जिसके हाथ जैसे। और आपको बताएं, बहुत से मैंने देखे हैं कि ससुर के सामने जो है पर्दा करना या ससुर से बात नहीं करना, तो हम लोगों के ना ऐसा नहीं होता है। मैं अपने जो ससुर सास है ना मेरे, इनके साथ सब कुछ ही नॉर्मल बिहेव, और जब तक उनका दिल होगा मैं तो बोलती हूँ कि सबको ही काम करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ वो अपनी बात है कि अगर शरीर आपका साथ ना दो तो वो तो सबको ही पता लगता है यार। और कमेंट दे रहे हैं कि उनकी उम्र देखिए, तो मेरे सास ससुर बुड्ढे नहीं हैं, अभी बहुत जवान हैं और काम करके आए हैं, और मुझे प्राउड भी फील होता है कि मेरे सास ससुर जो है मेरे साथ इस तरह प्यार से रहते हैं। यहाँ देखिए मेरे लिए पर्दे ओपन कर रहे हैं कि लाइट सही नहीं आ रही है, तो गाइज ऐसे ही चलता है। और यहाँ पे देखिए कुर्ती जो है बनके तैयार हो गई है, सलवार जो है थोड़ी देर बाद बनेगी, क्योंकि बाहर भी देखाती हूँ कि आखिर उन दोनों ने काम कितना किया है। कप में मैंने यहाँ पे खीरे करेले बहुत चीज़ें जो है उगाई थी, कद्दू भी उगाए थे, बहुत सी चीज़ जो है अब ग्रो कर रही हैं, तो जो थोड़ी बहुत है ना वो साइड में डैडी ने लगा दी है, और मिर्च के पौधे भी इन दोनों ने यहाँ लगा दिए, और ये प्याज का बीज है। फ्रेंड्स थोड़ा सा बंद कर देती हूँ म्यूज़िक, तो बाहर लग रहे हैं मिर्च के पौधे, और मैंने जो है एक सूट पूरा तैयार कर दिया है, पोंचे भी बन गए हैं, अब बनाऊंगी मैं चाय, दिन के बजे हैं पूरे चार, और फिर उसके बाद जाएंगे हम नीचे, कल है रौनक का पेपर। वीडियो पता नहीं आपको ये वाली कब मिलेगी, और आज कोई वीडियो ही नहीं डाली, आज थोड़ा सा मैंने ये सिलने का काम कर दिया, फिर फटाफट से मैं मिलती हूँ अब थोड़ी देर बाद आपसे। एक और सूट कट करके रखा है, इसमें तरपाई रही है करने को, वो देखूंगी अब कल करूंगी जब पीछे आऊंगी, कल तो रौनक का पेपर भी है। चलिए कितना टाइम, चार बजे है। दिखा बिल्कुल भी नहीं, कौन से एरोप्लेन का पायलट बनना है? बोइंग 777। तो आज मैं अपनी प्रजा को लेकर कहाँ जा रही हूँ? हम जा रहे हैं कुछ आज है, मेरी चप्पल, रौनक की चप्पल पहन ली थी मैंने, मेरी कहाँ है फिर? शाम के बजे हैं 7, सुबह से कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है पहले वाला आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज, तो अभी मैं छत पे आ रही हूँ, और मेरे साथ आ रहा है रौनक महान पुत्र। और ना यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, आप लोगों को अच्छे लगते हैं ना देखने, यहाँ पे देखिए ये है खुमानी का पेड़, खुमानी नहीं है ये, शक्कर पारा बोलते इसको, मीठा वाला, और इसमें ना
आज हमने बहुत सारे खाए दिन भर, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये देखिए, ये देखो, ये ना, हाँ इसमें ना बहुत सारे लगे हैं। पहले मैं पेड़ दिखाती हूँ इसका आपको, और फिर हम निकालेंगे इनको। हाँ जी, कितने शक्करपारे खाए आज? बहुत खाए। 7 बजे का टाइम है, थोड़ा अंधेरा सा आ रहा है। यहाँ देखिए ये, और इसमें इस तरह से ही लगी है, बीच बीच में हल्की हल्की सी, बहुत सारी है। ये देखो, रौनक चलने की तैयारी में है, चढ़ जाओ। लो जी, महान जी हस्ती। ओके, लेट्स गेट इट टू। हमारे पास बहुत सारे अभी हो चुके हैं, लेट्स फाइंड। अभी पूरी तरह से पका नहीं है, पर बिल्कुल मीठा है, थोड़ा भी खट्टा नहीं है। अच्छा है ना जी? ये बहुत मीठा होता है, और बहुत मीठा। हाँ, नाम से ही पता चलता है, शक्कर पारा, शक्कर। हाँ, नाम से ही पता चलता है, शक्कर पारा। ये जो होता है ना, इसके अंदर भी एक सीड्स होता है, उसको हम घुट्टी बोलते हैं, जिसकी मैं चटनी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी यम होता है ये खुमानी भी नहीं है, इसको शक्करपारा ही बोलते हैं। और इसकी गुट्टी के अंदर का सीड भी काफ़ी यम होता है। वो शक्करपारे का सबसे बेस्ट पार्ट है डिल्ली चेकना, तो हमारे कोटकड़ी लैंग्वेज में डिल्ली चेकना बोलते हैं, और हमने बचपन में बहुत किया है इस तरह से, पहले शक्करपारा खाना और फिर उसके बाद से जो है गुट्टियाँ खाना। ये देखो, इसका सीड काफ़ी गुणकारी होता है, और बादाम की तरह होता है लाइक, बस कुछ टेस्ट अलग होता है। जो कड़वी होती है ना, उसके हम चटनी बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आज, शक्करपारा पहाड़ी फ्रूट है, और मुझे लगता है शायद पहाड़ों में सब जगह होता होगा, तो वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट है, मुझे बहुत पसंद है। सभी फ्रूट्स में ना, इवन कि एप्पल से भी ज़्यादा पसंद मुझे ये वाला फ्रूट है, और इसको इंजॉय करेंगे जब तक अब ये निकलते रहेंगे। और इसके बाद जो है, मैंने थोड़ी देर बाद जो है तुलसी वाली जो है चाय बना दी थी। तुलसी को जो है चाय में डाल के पीना काफ़ी अच्छा रहता है। और इसी के साथ दिन में बने थे आज लंच में परौंठे, वो भी आलू के, तो आलू के परौंठे ना काफ़ी यम लगते हैं, दिन को कभी कभी चल पड़ते हैं। कैसे बने परौंठे? यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल हो गई है। आज जो है 18 तारीख है, और शाम के बजे हैं अभी पूरे 8, और यहाँ पे ना पूरा टोटल गांव जो है हमारा सील हो गया है। 5 लोग जो है एक ही घर से जो है, सब लोग जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं, बोल रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ सुनी, और यहाँ पे तो ना सच्ची में ही पता नहीं, हिमाचल प्रदेश में और हमारे इधर जो है बहुत ही ज़्यादा कोविड के केसेस आ गए हैं, और होप कि जो पॉजिटिव आए हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं, और प्रिकॉशंस लेना भी ज़रूरी है। ऐसे भी आ जा तो वैसे बहुत कम रहे थे, बाहर से आवाज़ आ रही होगी आपको, पता नहीं क्या शोर लगा हुआ है। आ जा वैसे कम रहे हैं लोग इधर उधर, लेकिन आज तो टोटल ही सील हो गया हमारा गाँव ना, बिल्कुल ही कोई नहीं। रास्तों में ना बाहर मक्खी भी नहीं है, और मम्मी डैडी उस दिन के पीछे गए हैं, क्योंकि आज जो है हमने 18 है ना आज, कल जो है 19 और 20 को जो है, 19 को ही होने थे, थोड़े होने थे, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि अभी बगीचा बन रहा है, तो जो भी लगे थे ना पलम वगैरह, वो हमने आज तोड़ने थे, रेड ब्यूट जो अभी आते हैं, बाकी जो है बाद में आते हैं, तो हम लोगों ने वो तोड़ने थे, वो भी रह गए हम लोगों के। और चेरी का सीज़न था, वहाँ भी नहीं जा पाई, और हमारे पीच का सीज़न आजकल नीचे ना जो मेरे डोगरी वाले घर है मायके वाला, वहाँ लगा है, बहुत अच्छा होता है, आप लोगों के साथ शेयर करती, वो भी रह गया। तो इस बार ना इस तरह से सारी अर्थव्यवस्था भंग हुई पड़ी है। चलिए, फ्रूट्स का तो छोड़िए, शेयर करने का भी छोड़िए, कोविड के केसेस शांत हो जाए, बाकी जो है चीज़ें आती जाती रहेगी, मेले भी बंद है, और सब कुछ ही, मतलब कि दुनिया अजीब सी है। रौनक के पेपर हो रहे हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा पता क्या करते हैं, बस फटाफट से पढ़ते हैं और फिर पेपर देते हैं, 5 मिनट में पेपर करके फिर साइड में जाके, और जैसे पढ़ने को बोलते हैं हमारे को सब कुछ आ जाता है, पूछते हैं फिर पता नहीं है, मतलब कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही भंग हुई पड़ी है। क्या बताऊँ अब आप लोगों को, मम्मी डैडी जो है पीछे ही रह गए, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो पलम है मैंने दिखाती है ना, इस वीडियो में भी दिखाए मैंने रेड ब्यूट्स आप लोगों को, तो उनका भी खतरा रहता है यार, आते तो नहीं है ना मंकी, लेकिन फिर भी डर लगता है, मंकी भी आते हैं, फिर फसल है अपनी, फसल है यार जितनी भी होती है ना, तो संभाल लेनी चाहिए वो टाइम से।
और मम्मी डैडी जो हैं अब 2 दिन तक पीछे ही हैं, नहीं तो आज हम पीछे जाने थे, आज हमने पलम तोड़ने थे, क्या पता फिर हम वहीं रहते, सब लोग हम रह जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं और मम्मी जो है नीचे बिस्तरा लगा देते हैं और हम रौनक रौनक के पापा और डैडी जो है बेड पे। और हाँ एक कमेंट ना वो क्या बोलते हैं उसको मुझे कब आया था एक क्या, हाँ कि भई आप जो है वीडियो बनाने से अच्छा यार बार बार आप लोग ये क्या बता के जाहिर करना चाहते हो कि भई मैं जो है अपनी सास से काम करवाती हूँ, इतनी बार इतने लोगों के आप मैंने बोलने का भी तो देखिए ना आप, मैंने बोला कि जब तक वो खुद से उनकी मर्जी है वो करते हैं, मैं मना करती हूँ, कोई उनको नहीं बोलता है करने को, यार थोड़ा तो दिमाग रखो आप लोग ना हाईलाइटेड होने के लिए ही करते हो क्योंकि पता चल जाता है ये वाली एक्टिविटी जो है अपना जो कमेंट हाईलाइट में आने के लिए नीचे होता है ना ताकि जो है आपके चैनल पे भी क्लिक हो, ऐसे मत कीजिए, इतना दिमाग जो यहाँ लगा रहे हो ना इतना दिमाग अपने चैनल पे लगाओ आप, बाकी ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। चलिए फ्रेंड्स थोड़े बहुत वीडियो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी, थोड़ी तो क्या फिर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जो लोग पसंद करते हैं ना उनके लिए फिर मैं शेयर कर देती हूँ, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना है, और चलिए फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में। पता नहीं कहाँ से बात से आवाज़ आ रही है, शायद अगली साइड को कुछ काम कर रहे होंगे, मैं मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।